हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट होता है, इसके यहाँ पे देखिए ढेर सारा लिखा रहता है। 1 HP, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, यहाँ पे हर सारा कितना वाट है, कितना HP है, कैपेसिटर कितना, पावर रेजिस्टेंस, हर तरह का करंट कितना है वो, और करंट जो कितना लेता है। ठीक है, इसके कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा मैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक एक वीडियो बनाएगा, पहले वोल्टेज कैलकुलेशन, उसके बाद करंट, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद वाट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, कहीं भी मोटर, इस तरह के कहीं भी मोटर का आप एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद पहले वोल्टेज, पहले नंबर पर है वोल्टेज। ठीक है, जो VOLTAGE, वोल्टेज वोल्टेज कैलकुलेशन किस तरह करना है। ठीक है, तो वोल्टेज के V से जाना जाता है। ठीक है, V मतलब वोल्टेज। तो चलिए, पहले इसका जो V का मतलब वोल्टेज होता है, इसके कोई सिंबल होता है। ठीक है, आई फॉर मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया है, देख सकते हो, रेजिस्टेंस का सिंबल है R, करंट का सिंबल है I, और वाट का सिंबल है W। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला, वोल्टेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखता है। पहले एक नंबर में होता है V समान आपको I इंटू आर। ठीक है, आर वोल्टेज समान, दो नंबर फॉर्मूला है ये, एक नंबर है वोल्टेज समान आपको मिलेगा वाट डिवाइड बाय करंट। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है वी समान वोल्टेज सम आता है रूट वाट इंटू आर रेजिस्टेंस। ठीक है, यह है वोल्टेज कैलकुलेशन का 3 फॉर्मूला, ध्यान से देख लीजिए। यह है वोल्टेज कैलकुलेशन का 3 फॉर्मूला। पहला नंबर है करंट इनटू रेजिस्टेंस, गुण करके जो आएगा वो वोल्टेज बढ़ाएगा। उस दूसरा बात क्या होता है वाट, यहाँ पे देखिए मोटर के नाम प्लेट के ऊपर लिखा रहेगा वाट कितना और करंट, उसके बाद कैलकुलेशन करके वोल्टेज निकाल आएगा। तो चलिए एग्जाम की तरफ, मान लीजिए मैंने वोल्टेज ले लिया, वोल्टेज एक कोई भी वोल्टेज आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है, आप जितना वोल्टेज ले सकते हो। मैंने पहला यहाँ पे लिखा है, देखिए रेजिस्टेंस जो आर है, रेजिस्टेंस 100 ले लेता हूँ, और करंट लेता हूँ I समान ले लेता हूँ 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर ये ओम्स। उसके बाद और जो वाट है, वाट लेता है 745 वाट। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला के कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरा रेजिस्टेंस है 100 ओम्स। ठीक है, करंट है 4 एम्पियर। पहला वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के इनपुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक नंबर फॉर्मूला मैंने बैठाने जा रहा हूँ, वोल्टेज समान वोल्टेज, उसके बाद करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस, भी समान यहाँ पे करंट है 4 एम्पियर, 4 × रेजिस्टेंस है 100। ठीक है, उसके बाद आता है इतना आपको वोल्टेज जो होएगा उसको 400 वोल्ट। ठीक है, मोटर का वोल्टेज था, आपका मोटर का जो करंट रहेगा वो है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो उसका उस मोटर का वोल्टेज होगा 400 वोल्ट। ठीक है, ये पहला वाला फॉर्मूला से निकाला है, दूसरा वाला जाइए। ठीक है, दो नंबर 4 करंट जो आई है,
यहाँ पे आई 4 है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाय आंसर आएगा वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा यहाँ पे 186, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, मान हमने बैठा है एक, यहाँ पे जो ये है फॉर्मूला, ठीक है। वोल्टेज तीन तरीके से निकल सकते हैं वोल्टेज, पहले आई आई मतलब है यहाँ पे देखिए करंट दिया हुआ, ठीक है। करंट आर वन रेजिस्टेंस आर वाट डब्ल्यू, यहाँ पे जो वाट का दिया है ये है डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू मतलब होता है वाट, कितना वाट का मोटर है, ठीक है। तो ये है दो नंबर फार्मूला, यहाँ पे दो नंबर फार्मूला है वोल्टेज इतना आएगा। और तीसरा जो फार्मूला है ये थोड़ा देख लीजिए, वोल्ट रूट ओवर रूट वाट इंटू आर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज समान होगा रूट वाट, कितना है 700 वाट, वाटेज है 745 इंटू आर है 100 ओम्स रेजिस्टेंस, ओम्स आर, ठीक है। और उस आ जाएगा कैलकुलेशन का तो रूट थ्री का मान है आपको मिलेगा 2729 इंटू 94, ठीक है। ये था फ्रेंड, ये था कैलकुलेशन, ठीक है। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के जरिए आप हिसाब, इस फॉर्मूला के जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला मैंने फिर एक यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी समान आई इंटू आर, ठीक है। और भी समान ये है एक नंबर फार्मूला, ये है दो नंबर फार्मूला। भी समान होगा वाट इंटू आई, तीसरा नंबर फार्मूला है भी समान आएगा रूट वाट इंटू आर, ठीक है। ये है बेसिक फार्मूला, इस फार्मूला के जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला के हर हर जो नेमप्लेट है इसमें आप वोल्टेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के लिए। दूसरे वीडियो में हम बताएगा उसको करंट किस निकलता है, ठीक है। एक एक करके हम हर सारा पार्ट दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और सामने जो बेल का आइकन है ये भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये मेरा नहीं है, ठीक है। मेरा ये जो ट्रॉफिक है, ठीक है, ये सूत्र दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने खुद ही बॉय से लिया है, हम इस बॉय से पढ़ाई किया है, आपको ये बॉय भी प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है वोल्टेज का, ठीक है, यहाँ पे वो करंट का सब अलग अलग फार्मूला दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला के हमने एग्जांपल दिया है, उसके बाद करंट आएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस और वाटेज सब फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और डिस्क्रिप्शन में नहीं तो हमको गूगल पेज पे आपका या ब्लॉग में, हम मेरा ब्लॉग में आपको ये अपलोड दे देंगे फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और पास में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। और इसके बारे में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो फ्रेंड। थैंक यू।